नमस्कार। पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि पंजाबी ग्रेवी हम कैसे बनाते हैं और कुछ पंजाबी सब्जियां अलग अलग इस ग्रेवी में से कैसे बनती है वो सब हमने सीखा। और दूसरा एपिसोड भी यहाँ पे द मील बॉक्स में ही है और उसके किचन में ही हम खड़े हैं। और हमारे साथ शेफ अशोक और आज का एपिसोड है बिरयानी के ऊपर और यहाँ की स्पेशलिटी है कुकर बिरयानी यहाँ की स्पेशलिटी है और उसको बोलते हैं वेज बिरयानी, बराबर है ना। और वेज बिरयानी आप घर पे कैसे बना सकते हैं वो शेफ हमको दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो बताते हैं। सर हम आज बनाने जा रहे हैं ऑनियन ग्रेवी क्योंकि हम वेज बिरयानी में यूज़ करते हैं। उसके लिए हमको इंग्रेडिएंट्स लगेगा सिनेमन स्टिक, तेज पत्ता, स्टार फूल, ब्लैक इलायची, ग्रीन इलायची, जावित्री और अपने को कैशनट एंड मगज और ऑयल। अभी लेंगे 2 किलो ऑनियन। दो किलो ऑनियन इसको हम अच्छे से स्लाइस करेंगे। अभी कटिंग हो गया सर, इसको कटिंग करके हम इसको बॉयल करते हैं। कहीं पे बॉयल भी करते हैं, रोस्ट भी करते हैं, बस हम बॉयल करते हैं। करने के पहले ऑयल, तीन चार पीस ब्लैक इलायची, ग्रीन इलायची, जावित्री, स्टार फूल, तेज पत्ता, तज। सबसे पहले ये बिरयानी की ग्रेवी बन रही है। हाँ, ये बिरयानी की ग्रेवी बन रही है। हमने ऑनियन डाल दिया। सर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बॉयल करने के लिए। ये कुकर में भी कर सकते हैं ना? हाँ, कहीं पे भी कुकर में भी कर सकते। कुकर में करेंगे तो जल्दी होएगा, इसमें थोड़ा लेट होएगा। उसमें थोड़ा सा अपना नमक डाल दिए और हल्दी पाउडर और बाद में डाल दें अपना कैशनट और मगज। अब इसको थोड़ी देर बॉयल होने देना, कम से कम आधा घंटा इसको बॉयल होने देना है। हाँ, अब इसमें कुछ भी दूसरा डाल सकते हो, पीनट, कॉस्ट कटिंग करने के लिए। बट टेस्ट में फर्क हो जाएगा आपका, मैं कभी नहीं डालता हूँ। अपना क्या, एक हाथ पहले से सेट है सर, उसमें यही जाना है तो जाना ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले मेरे को, मैं कभी नहीं डालूँगा। हाँ, कहीं पे अगर समझ लो आपकी पार्टी है बड़ी, वहाँ पे आपको प्राइस कम मिल रहा है, वहाँ पे कर सकते हो। बट आप जो रेस्टोरेंट में दे रहे हो तो प्योर ही देना चाहिए आपको, उसमें कोई वो नहीं, क्योंकि पार्टी महीने में एक बार आती है। और जब आपका रेस्टोरेंट हो तो आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास गेस्ट आएंगे, नहीं तो खाना तो हर कोई बेच रहा है आज की डेट में। आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता है, रोड पर भी लोग, अरे वहाँ पर भी खा रहे हैं, बट उसमें हमारे खाने में डिफरेंट तो होगा।
सर ये अभी रेडी हो गया है, बॉयल होके रेडी हो गया है। अभी इसको निकाल के ये जो अपना ये पानी रहता है इसको फेंक देने का है। अच्छा ठीक है, इसको निकाल के ऐसे एक स्ट्रेनर में जाली में स्ट्रेन करके पानी निकाल देने का और इसको ठंडा कर देना। ठंडे करने के लिए कुछ पानी पानी ऊपर से ऐड कर दो, इसको निकाल दो। ये पानी से ऐसे ठंडा पानी डाल के कुछ टेस्ट में तो नहीं, कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है आपको। अगर इसको आप ऐसा ही पीसेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक आपको ये यूज़ करने को नहीं होएगा, तो इसलिए इसको ऑनियन को धुलना पड़ता है। हम कंटिक करने से पहले भी धुलते हैं और बॉयल करने के बाद भी आपको धुलना पड़ेगा ये। अच्छा, ऑनियन का, टमाटो का नहीं, टमाटो बॉयल करके सीधा पीसने का है, ऑनियन को धोना, ऑनियन को धुलना पड़ेगा अभी। हाँ, अभी थोड़ा इसको ठंडा करना पड़ेगा मिक्सर, फिर उसके बाद ग्रेवी बनाना पड़ेगा। अभी हो गया इसको पीसने के बाद छान लेने का। इंग्रेडिएंट्स सिर्फ अलग है। हाँ, बाकी सब प्रोसीजर सेम है। टमाटर नहीं है, खाली टमाटर की जगह ऑनियन है, बाकी सब एक ही चीज़ है। छानने के बाद इसको पकाना है, थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल के बाद इसमें थोड़ा सा ये जावित्री, तेज स्टार फूल, ग्रीन इलायची, ब्लैक इलायची एंड तज, इसको थोड़ा सा भून लेने का और इसमें कुछ वो जीरा वगैरह नहीं, जीरा जीरा कुछ नहीं, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अरे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, उसके बाद आप ग्रेवी डाल दो। ग्रेवी डालने के बाद आप थोड़ा सा दही ले लीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, उसमें आप ही मसाले डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी अपना, थोड़ा सा किचन किंग, किचन किंग, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर एंड सॉल्ट, बस। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सर से फेंट के पानी डाल के फेंट के अच्छे से फेंट के इसमें जरा सा पानी डालना। हाँ, थोड़ा सा बस, कि पतला हो जाए, और इसको ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी को थोड़ी देर जरा सा पानी भी डाला और फिर इसमें मिक्स कर देना, मिक्स कर देना, कलर चेंज हो गया। अभी ग्रेवी को कितनी देर पकने देना? कम से कम 15 से 20 मिनट, अच्छे से पक जाएगा, आपका दही पक जाएगा, सब कुछ पक जाएगा। अभी पक गई ग्रेवी, अभी इसको इसके बाद अभी ग्रेवी पक गई है। अच्छा, अच्छा से पक गई है। अभी इसके बाद इसको फिर से स्ट्रेन करना है, छानना है, क्योंकि हमने इसमें जो तेज पत्ता ये डाला था वो अखा डाला था, इसको हमको एक बार दोबारा स्ट्रेन करना पड़ेगा।
कि वो सब निकल जाए। सर अभी हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, वेज बिरयानी, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, कैसू नट ब्राउन फ्राई करके, हाँ फ्राई काजू और अपना ग्रीन पीस, बीन्स, कैरेट, मिंट, फ्लावर, इसमें एग्जॉटिक इंग्लिश वेजिटेबल है अपना ब्रोकली, ब्रोकली और जुगनी, ये दो चीज़ें, ये अपना रोज वाटर और केवड़ा वाटर है, ये बिरयानी का सबसे मेन पार्ट है, मेन जी उसके फ्लेवर आपको एक अलग ही आरोमा देता है, रोज वाटर और केवड़ा वाटर आपको, आप जब खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका ना इलायची पाउडर, इलायची पाउडर, आप जब बिरयानी बनाएंगे तो घी में ही बनाना, अच्छा ऑयल में नहीं, ये घी है, प्योर घी जो अपना होता है गाय का जो घी होता है, घी में ही बिरयानी बनाना क्योंकि टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद आप डाल दो अपना वेजिटेबल जो भी है, आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं पहले, अच्छा। हम नहीं डालेंगे, हम नहीं डालते हैं गार्लिक, क्या होता है कि हमारे उसमें सब कुछ गरम मसाला ऑलरेडी पहले से रहता है तो ज़्यादा हो जाता है। घी में टोस्ट करने का, अच्छा सर रोस्ट करना है, हाँ छो इतना थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, मसाला वो क्या डाला, किचन किंग, किचन किंग, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर अपना, येलो चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, आप इसमें ये ग्रेवी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी, थोड़ा पके वेजिटेबल, तो पुदीना डाल सकते हैं, या और अपना ऑनियन का मसाला थोड़ा सा, ऑनियन का मसाला, हाँ इसको डाल, इसमें क्या क्या रहता है मसाला, ऑनियन एंड टमाटो, ऑनियन और टमाटो, गरम मसाला कुछ नहीं, अभी हम टेस्ट करके देखेंगे इसमें। ये जो आपने बोला ऑनियन और टमाटा जी, इसमें क्या क्या पड़ता है वो, ऑनियन और टमाटो मसाला में कुछ, हाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर रेड करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं डालना। अभी आप इसमें डाल सकते हैं केवड़ा वाटर, प्लस रोज वाटर और अपना ये इलायची पाउडर, फ्राई काजू, अमूल क्रीम, अमूल क्रीम, हाँ अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए सर तो आप ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना के रख सकते हैं, ओनली ग्रीन चिल्ली, ओनली ग्रीन चिल्ली। अभी ये बिरयानी का मसाला रेडी हो गया, अभी इसको हम कुकर में सर्व करेंगे। कुकर में पहले थोड़ा सा राइस डाल दिया, अच्छा उसके ऊपर से आपने थोड़ा सा ये ग्रेवी डाल दिया बिरयानी का, बाकी जो राइस बचता है उसको इसमें मिक्स कर दो, अच्छा।
नहीं चम्मच, नहीं तो आपका राइस टूट जाएगा। अब इसमें इसको सर्व कर सकते। बाकी उसमें आप ऊपर से इसमें काजू डाल सकते हैं। अभी अभी इसको कुकर के अंदर डाला, बंद कर दिया। हमारा कुकर बिरयानी रेडी। चलो जी आ गए हमारी कुकर बिरयानी। अभी गर्मा गर्म है। बस बस, और ये उसके साथ क्या है? रायता। बहुत ही जायकेदार है, आप सभी ने देखा किस तरह से बनती है, और रायते के साथ सर्व किया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। मैंने आग लगी, कभी ऐसी बिरयानी कुकर में सर्व की हुई कभी बिरयानी मैंने खाई नहीं। और राजकोट में तो ये कंसेप्ट पहली बार देखा है मैंने, कहीं और मिलता हो तो मेरे को मालूम नहीं। और रेसिपी आप सब ने देखी, अभी ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। थैंक्स टू द मील बॉक्स ओनर जय और विरल, जिसने हमारे साथ ये पनीर की, आगे जो फर्स्ट एपिसोड आपने देखा पनीर की सब्जी वो, और ये बिरयानी की रेसिपी हमारे साथ शेयर की। तो तीसरा जो वीडियो आने वाला है वो भी ऐसा ही कुछ खास है, आप देखते रहना। उसका नाम है पाव भाजी फोंडू, पाव भाजी फोंडू। और वो भी मैंने कभी ट्राई नहीं किया राजकोट में, वो भी कुछ नया है। तो देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर दिखाना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारी चैनल को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।